सही गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं रोसे। सो रोसे बनाने के लिए हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, रात को सोक किए हुए सुबह उबालने के बाद रोसे लेने हैं। और उसके बाद हमने लिए है कटे हुए सब्जियां, जिनमें है प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची। और फिर आता है थोड़ा सा हमारा कटा हुआ खीरा। अब हम लोगों को एक कढ़ाई लेनी है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है और उस ऑयल को कुछ देर के लिए गर्म करना है। ऑयल गरम होने के बाद हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और जीरे को चटकने का इंतज़ार करेंगे। और उसके बाद हम उसमें डाल देंगे थोड़ी सी राई और दोनों ही चीज़ों के चटकने का इंतज़ार करेंगे। थोड़ी ही देर बाद जब वो चटकने लगेंगी तब हम उसमें अपनी सब्जियां डालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने डाली हैं हरी मिर्चियाँ, जिनके दलते ही काफ़ी ज़्यादा धुआं उड़ रहा है। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम डालेंगे प्याज और फिर अगली सब्जियां को हम बाद में डालेंगे, क्योंकि प्याज को जब तक हम थोड़ा गोल्डन ब्राउन नहीं कर लेंगे तब तक हम अगली सब्जी नहीं डालेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें डालने वाले हैं टमाटर। इन सब्जियों को अच्छे से मिक्स करेंगे और भून लेंगे ताकि सभी सब्जियों का पानी मर जाए। इन्हें भूनने के बाद हम लोग डालेंगे इसमें खीरा। खीरे को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और खीरे को कुक होने देंगे। कुक होने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। सबसे पहले हमने डाली है लाल मिर्च, फिर हम डालेंगे इसमें हल्दी, फिर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। ये सभी सब मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। फिर हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे और 5 मिनट बाद इसे खोलेंगे। तो इसके बाद इसमें हम इसमें कटा हुआ कोरिएंडर या फिर धनिया डालेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करके इसमें हम अपने रोसे डाल देंगे। रोसे को हम अपनी सब्जियों और मसाले के साथ अच्छे से मिलाएंगे ताकि रोसे में सब्जी और मसाले का स्वाद आ जाए। फिर इसके बाद हम इसे ढक देंगे और 5 से 10 मिनट के बाद इसे खोलेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि अच्छे तरीके से पक चुका है, फिर भी हम इसे फिर से थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे। और इसके बाद आपके सामने है हमारे बने हुए रोसे। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, चलाते जाएंगे गैस ऑन करके। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। इसको आप किसी और चीज़ के साथ भी खा सकते हैं और इसे नाश्ते के या फिर इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपके पास आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।